गुड मॉर्निंग। ये नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये है कि जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था इनइक्वालिटीज़, तो इनइक्वालिटी को प्लॉट करना, अब ये रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे अपन ने इनइक्वालिटी क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, सी होता है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, है ना। प्लॉट करके दिखाओ इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसको 2D सिस्टम में प्लॉट करके दिखाओ। क्योंकि अगर आप ये प्लॉट कर सकते हैं फिर आप ये सवाल आराम से कर सकते हैं इससे रिलेटेड। भी और भी पूछूंगा, फटाफट ड्रॉ करो। रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, जो क्लास 11th में पढ़ा था बिल्कुल सेम है। मतलब तीन चार इनइक्वालिटीज को ग्राफ पे प्लॉट किया, जो कॉमन शेडेड एरिया था, याद है शेडेड एरिया, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो कॉमन शेडेड एरिया क्या था, बस वही शेडेड एरिया बार बार अपने को निकालना है, ठीक है। हाँ कर लिया। अरे तुम क्या कर रहे हो, यही नहीं कर पा रहे हो, कैसे पढ़ोगे ये चैप्टर है? चलो दिखाओ क्या किया, बताओ। सही है, अब क्या करोगे, अब तमाशा देखोगे। अरे क्या बताया था ना, कोई पॉइंट ले लिया करो, x प्लस वाई माइनस वन लिख लो पहले तो, ठीक है। इसको लाइन को प्लॉट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये तो बच्चा टाइप है, 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। अब ये सोचो कोई एक सुंदर पॉइंट ले लो, जो मतलब इसमें रख दो, ठीक है ना। जैसे अपने 0 0 रखा, दुनिया का सबसे सुंदर पॉइंट 0 0, तो 0 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्या माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इस इलाके को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। तो कौन सा इलाका होगा, इधर वाला। दो ही बातें हो सकती हैं, एक्सप्रेशन जीरो जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए जीरो कब आएगा, इस लाइन पर। पॉजिटिव या तो यहाँ होगा या पॉजिटिव यहाँ होगा, यही डाउट होता है अपने को हमेशा। तो अगर इस इलाके में, क्योंकि ओरिजिन से अपने देख लिया इस इलाके में ये आ रहा है नेगेटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करना था ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक तो ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन इन एडिशन टू द पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इस तरफ वाला पार्ट, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला पार्ट, ठीक है। चलो एक दो और ड्रॉ करो, 2x माइनस वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, ये प्लॉट करो। कौन सा, अच्छा ये वाला, नहीं मुझे दिखा नहीं, नीचे वाला डायग्राम क्या था, इलाका कौन सा, अच्छा ये वाला। तो पहले तो अपन ने इसके अंदर ना ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया, तो x को जीरो कर दिया, ठीक है, x को जीरो कर दिया, तो y कितना आ रहा है, माइनस 3, है ना, दिख गया। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 3, ठीक है, और y को जीरो कर दिया, x आ गया 3/2, है ना, 3/2, 0, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ये अपन ने लाइन बना दिया, ठीक है। अब जो है अपने को देखना होगा कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसलिए इलाका कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से अपन इसको शेड कर देंगे, ठीक है। कई बार अपने को ये भी काम आएगा इस चैप्टर के अंदर कि अपन दो लाइन्स का इंटरसेक्शन निकालें, है ना, वो मार्क करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये भी बहुत जगह काम आएगा इस चैप्टर में, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटरसेक्शन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बनाओ ड्रॉ करो। शाबाश, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ पर पाया जाता है, वाई एक्सिस के राइट साइड, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसके राइट साइड और इसके ऊपर जो इलाका कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, तो ये है ना। इस इलाके में एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन,
अपन देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन किस टाइप का होता है, ठीक है। क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर, लीनियर वर्ड का मतलब है जो एक्स और वाई में जो अपन इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे वो 1 डिग्री की होंगी, है ना, एक्स और वाई में 1 डिग्री होगा। लाइंस की इक्वेशन ही होगी, सब सबके सब जो भी इनइक्वालिटी अपन यूज करेंगे, तीन चार इनइक्वालिटी होगी, तीनों चारों इनइक्वालिटी एक्स और वाई में लीनियर एक्सप्रेशन होंगे। एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यही है कि अपन ने उनका स्केच बना दिया और बस स्केच से अपन ने जो कॉमन रीजन है इनइक्वालिटीज का वो गैदर कर लिया और उससे कुछ कुछ करेंगे फिर अपन, ठीक है। और प्रोग्रामिंग यही है कि भी अपन ने कुछ कुछ थ्योरी बनाई, ठीक है, कुछ कुछ थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन एक्ट करेंगे, वो देखेंगे अभी अपन थ्योरी। कुछ एक थ्योरी के कुछ एक पॉइंट्स हैं उनका प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि हाँ कुछ एक चीज़ों का प्रूफ नहीं है, वो एनसीईआरटी वाले पूछेंगे भी नहीं। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये तीन भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। देखते हैं क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम है। स्टडी सम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बाय ग्राफिकल मेथड ओनली, ये ध्यान रखना, ग्राफिकल मेथड वही जो पिछला चैप्टर था 11th क्लास का वही है। तो देर आर मेनी अदर मेथड्स, बाकी और भी मेथड होते हैं, आप सिंपली इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, कई बार ऑब्जर्वेशन से भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। एक फर्नीचर डीलर है, उसके पास केवल दो टाइप के आइटम्स में डील करता है, टेबल और चेयर, 50,000 रुपये उसके पास, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 चीज़ें जो है वो रख सकता है, यानी कि टोटल जो एक्स और मतलब अपन मान लेंगे टेबल और चेयर की क्वांटिटी एक्स और वाई है, मैं लिखता हुआ चलता हूँ, प्रॉब्लम है ना, तो खुद ही समझ में आ जाएगी। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 60, ठीक है। और ये तो अंडरस्टूड है कि भी जब टेबल चेयर खरीद रहे हो तो टेबल और चेयर की क्वांटिटी जो है नॉन नेगेटिव होगी, तो ये भी लिख लो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या है, अभी से मतलब 50,000 रुपये ही है उसके पास, है ना, हैज़ रुपीज़, तो 50,000 से ज़्यादा तो वो खर्च कहाँ से लाएगा, नहीं ला सकता ना, तो कितना हो जाएगा, कितने की टेबल, कितनी की 2,500 की, तो 2,500 इंटू एक्स प्लस 500 इंटू वाई, इतना खर्चा पानी कर सकता है वो, है ना, और ये खर्चा पानी जो है 50,000 से कम का है, ठीक है। ये और क्या बोला, ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 250। अब प्रॉफिट की बात आई तो अगर मान लो टेबल्स हैं, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 250 एंड दैट फ्रॉम सेल ऑफ वन चेयर प्रॉफिट ऑफ 75, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट। तो किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है अपने को, वो प्रॉफिट की क्वान्टिटी तो डिफाइन कर दो। हाँ ये सब मैंने कर दिया, अब बताओ प्रॉफिट क्या है उसका। हाँ प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई पता नहीं क्या है, क्या है एक्स और वाई, क्या है, हाँ किसकी, टेबल और चेयर के पीसेस की क्वांटिटी है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, हाँ प्रॉफिट, अगर टेबल एक्स है चेयर वाई है और सबकी सब बिक जाती हैं, ये अज्यूम क्या होगा, सारी की सारी बिकती, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 250x प्लस 75y, ये है उसका प्रॉफिट, ठीक है ना भाई। अगर x चेयर है उसके पास और हर चेयर पर 250 कमाता है, तो 250 इंटू एक्स जो है वो टोटल कमाएगा चेयर से, और 75 इंटू वाई कमाएगा वो टेबल, ये किससे कमाता है, टेबल से, टेबल से इतना कमाया, चेयर से इतना कमाया, तो टोटल इतना कमाया। तो ये अपने को इस फंक्शन को कुछ बोल देते हैं जेड, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेड बोलेगा, और जेड फंक्शन को अपने को मैक्सिमाइज करना है, और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं ये सब है ना, इन सब कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इसको अपने को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। यही प्रॉब्लम होता है बस, है ना, एंटायर चीज़ यही है, ठीक है। अब इसने इसके लिए डेफिनेशंस दिए हैं कि ये होता है, ये होता है, वो सब देख लेते हैं अपन। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल, देखना ये ध्यान रखना, अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल आइटम्स विच ही वाइज, तो जितने भी आइटम्स ने खरीदे एक्स प्लस वाई वो सब उसने बेच दिए, ये अज्यूम करके चलना है, तभी तो प्रॉफिट जो है अपन सर्टेनिटी से बोल सकते हैं कि हाँ यही प्रॉफिट हुआ होगा उसको। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सीक्स टू मैक्सिमाइज, इसमें क्या करना था, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन क्या है कुछ है मतलब ये जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें कुछ चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा हूँ उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या प्रोसेस। जैसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या करना होता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यूज ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा, रिसोर्सेज मतलब यही सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, अ स्पेशल बट वेरी
तो बस यही लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इसमें सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं या कंडीशंस हैं या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब लीनियर इन एक्स और वाई हैं। द अबव स्टेटेड प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, यही एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है भाई। इंडस्ट्री कॉमर्स यही सब तो अपन पढ़ते हैं भाई, फैक्ट्री वगैरह और इस सब में यही तो होता है कि भाई चेयर खरीद ली, टेबल खरीद ली, या क्या कहते हैं पंखा खरीद लिया, ट्यूबलाइट खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो बस यही सब थे इसमें। और साइंस में बहुत काम आता है, रॉकेट खरीद लिया है ना, रॉकेट खरीद लिया और टैंक खरीद लिया, यही सब चलता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, तो यही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ठीक है ना। दिस पार्ट एक इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, और इस फंक्शन को अपने को मैक्सिमाइज करना, यही फॉर्मुलेशन है ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर डीलर विद द फादर रूल मैथमेटिकल इंडक्शन प्रॉब्लम, टू वेरिएबल्स। अब ध्यान रखो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना इसमें टू वेरिएबल्स ही होंगे, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चंस में लगभग लगभग टू वेरिएबल्स होंगे, देख रहे हो ना एक्स और वाई। द डीलर कैन इन्वेस्ट हिज मनी इन बाइंग टेबल्स और चेयर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ। अब ध्यान रखो भाई ऐसा भी हो सकता है कि शायद अपना जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस चीज़ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आए जब शायद एक्स जीरो हो जाए, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी तो अपन ने कुछ खास ऑब्जर्व नहीं किया, पर मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कि एक्स जीरो हो सकता है, वाई जीरो हो, ऐसे ये भी यही कह रहा है। फर्दर ही वुड और क्या क्या हो सकते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे 60 है ना इसका टोटल, तो हो सकता है ये 10 हो, ये 50 हो, ये 50 हो, ये 10 हो, कुछ भी हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकते हैं ठीक है। ही वुड अर्न प्रॉफिट बाय वेरिएबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ठीक है। देयर आर सर्टेन ओवरराइडिंग कंडीशन और कंस्ट्रेंट्स, हाँ कंस्ट्रेंट्स हैं वो यही है कि भी मैक्सिमम वैल्यू जो उसके पास मैक्सिमम पैसा है वो 50,000 रुपये है, और टेबल गोदाम गोदाम की भी जो लिमिट है कि टोटल पीसेज जो है 60 ही रख सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं है ना, ओवरराइडिंग कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स कहते हैं इसको ठीक है। याद रहेगा ये गिवन कंडीशन और ये ठीक है। सपोज इट डिसाइड्स टू बाय टेबल्स ओनली एंड नो चेयर्स, भाई ऐसा भी डिसाइड कर, जैसे कि मैं बता रहा था अभी, हो सकता है उसने केवल टेबल खरीदी, तो टेबल कितनी खरीद सकता है, 20 टेबल, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी। थोड़ा ऐसे सोचो ना, नॉर्मल एक फैक्ट्री ओनर की, ओनर के नज़रिए सोचो, हो सकता है उसका टेबल में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, टेबल उसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, चेयर उसे इतनी पसंद नहीं हो, तो उसने सारी टेबल ही खरीद डाली। लेकिन टेबल खरीद डाली तो गोदाम भी तो खाली रह गया है ना, गोदाम का भी यूसेज करोगे है ना, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो गोदाम का ज़्यादा यूज़ नहीं किया उसने, इस वजह से उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 5,000 का, क्योंकि हर टेबल पर वो कितना कमाता है, 250, तो 200 टेबल उसने खरीदी तो कितना कमा लिया, 5,000। अब उसने सोचा कि केवल चेयर ही खरीद लूँ, कई बार क्या होता है लोगों को चेयर ही पसंद आती है, तो चेयर ही चेयर खरीद ली, तो लेकिन चेयर जो है वो 100 खरीद सकता था, पर खरीद करके करेगा क्या है, घर के बाहर डाल देगा क्या है, तो ये 60 ही खरीद सकता है। तो इसीलिए जो है वो पूरा अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया। दोनों बातों को रेस्ट्रिक्शन समझ रहे, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये है कि एक तो उसका पैसा भी पूरा यूटिलाइज हो जाए ठीक है, कोशिश करे वो 50,000 का 50,000 अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा कुछ टाइम बाद आपको रिटर्न मिलेगा। और दूसरा, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको भी पूरा बेइंतहा तरीके से आप यूज़ करें ठीक है। कंपनी में यही होता है, अगर आप सारे रिसोर्सेज को पूरा अच्छे से निचोड़ लो ना, तो फिर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप जो है वो प्रॉफिट जो है, नहीं ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है ठीक है। ये जो है इसने केवल अपनी कंपनी को यूज़ ही नहीं किया ना, कि गोदाम को पूरा भरा ही नहीं इसने, गोदाम पूरा भरा रहता तो अच्छा रहता ठीक है। तो ये देख रहे हो, इसी वजह से जो है वो दोनों ही केसेस में कम पैसे कमाया ठीक है। इसमें क्या है, टेबल कम खरीद के और इसमें गोदाम को भर करके, लेकिन क्वांटिटी चीज़ ही ऐसी ली उसने जिससे उसका पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाया, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाई चीज़ें। तो यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ, 60 चेयरों से 4,500 लो है। अब देखो कुछ और, एक और कॉम्बिनेशन है ठीक है, जैसे मान लो उसने 10 टेबल खरीदी और 50 चेयर खरीदी, तो इससे गोदाम भर गया और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसका, नहीं नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं, टेबल टेबल खरीद करके कितना हो जाएगा, 2,500 की टेबल है क्या, तो 2,500 की टेबल है तो कितना हो गया, 25,000, और 25 और ये इंटू ये 50, चेयर कितने की है, चेयर 75 की नहीं है, चेयर तो ज़्यादा 500 की है, तो चेयर 500, 25,000 है ना, देखा पूरा पैसा हो गया ना इन्वेस्ट, 25,000 आधा आधा डाल दिया उसने, उससे उसका गोदाम भी भर गया और क्या कहते हैं उसने उसका उसका जो जो पूरा अमाउंट था वो भी इन्वेस्ट हो गया ठीक है, गोदाम भी भर गया, पूरा अमाउंट भी इन्वेस्ट हो गया, तो उसे फ़ायदा देखो कितना ज़्यादा हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये तो अपन ऐसे ही कर रहे थे ना, ये तरीका नहीं था, ये तो अपन ने ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिए कि जहाँ पर 60 हो जाए फिगर, यहाँ पर कहीं पर सारी चेयर आ जाए, सारे टेबल आ जाए वगैरह वगैरह।
अब इसे मैथमेटिकली जो है इसे फॉर्मुलेट करते हैं, हाउ शुड ही इन्वेस्ट, तो मैथमेटिकली ये फॉर्मुलेट कर ही रखा है अपन ने। अपन तो सोचते ही मैथमेटिकली कि हाँ टेबल चेयर दोनों जीरो से ज़्यादा होंगी, टेबल चेयर ये होंगी, ये 50,000 अमाउंट इन्वेस्ट, और इस फंक्शन को अपने को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो इसने यही चीज़ मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर ली जो अपन सोच ही रहे थे, है ना, यही। तो 50,000 है ना, तो इसीलिए ये कंडीशन आ गई, वही जो अपन ने लिखी है ना। अच्छा, इसने एक्स भी वही लिया है, ठीक है, टेबल एक्स, और सेम चल रहा है इसका भी मामला। अच्छा, इसने इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया इसने, 500 से। हाँ, इसको 500 से डिवाइड कर दिया, तो रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। अच्छा, इसको ध्यान रखना, जो चीज़ को अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द क्वांटिटी विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज जो है मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। एक्चुअली ये जो चीज़ अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, पर तुम्हारी खोपड़ी में आ ही जाएगा बहुत आराम से। देखो, इसको मैक्सिमाइज करो, ठीक है, चाहे ठीक है, देखा 25 कॉमन ले लिए ना, कितना गया 10x+3y। इसको मैक्सिमाइज करो चाहे 10x+3y को मैक्सिमाइज करो, एक ही बात है, समझ में आया। इस कॉन्स्टेंट से थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, और क्वांटिटीज तो पॉजिटिव ही चल रही है सारी चीज़ें, एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो ये नंबर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, क्या तो अपने को बेसिकली क्या करना है, ये एक्चुअली क्या, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये 10x+3y ये ड्रॉ करना बहुत आसान होगा जरूरत पड़ने पर। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ठीक है भाई। तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स ये हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं अपने को करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द लीनियर फंक्शन जेड सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। अब इसने देर आर ऑल्सो सम अदर प्रॉब्लम विच यू हैव टू मिनिमाइज। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे ये चीज़ मैक्सिमाइज करनी है, कई बार क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कोई प्रॉब्लम जिसमें भाई, कई बार ऐसा होता है भाई, कोई सोचे कि कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा ही होगा, तो मिनिमम फ़ायदा मान लो सोच रहा है वो बंदा, ये तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, वो मिनिमम प्रॉफिट सोचे, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो उस केस में ये मिनिमम हो जाएगा। वेयर वी हैव टू मिनिमाइज द लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू डिवन कंडीशन डिटरमाइंड बाय सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद वेरिएबल सच एज नॉन नेगेटिव, सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, कुछ कंडीशन के अंतर्गत अगर आपको कुछ चीज़ें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी पड़ रही हैं, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, पर आपको पता होना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। वन दैट इज कंसर्न विद फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, इसको हाईलाइट कर लो, ऑप्टिमल वैल्यू ये टर्म यूज करते हैं वो लोग। ऑप्टिमल वैल्यू होता है किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ओनली, यही होगा, बताया था ना, एक्स वाई जेड जैसा कुछ नहीं आएगा, बस एक्स और वाई में चलता रहेगा मामला, सब्जेक्ट टू कंडीशन द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव एंड सेटिस्फाई सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्टिमम वैल्यू क्या होता है किसी लीनियर फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, बस खत्म, अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। वो क्या होंगी रेस्ट्रिक्शंस, एक इनइक्वालिटी जैसा होगा एक्स और वाई में। ठीक है, द टर्म लीनियर इंप्लाइज दैट ऑल द मैथमेटिकल, यही जो मैं बता रहा था लीनियर रिलेशंस होंगे। ठीक है, डिटरमाइनिंग पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ से मार्क आउट करना। कितनी अजीब बात है, प्लान तो बहुत बड़े बड़े की बात कर रहे हैं लेकिन प्रूफ किसी का नहीं दे रखा है। खैर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन दे रखा है ax+by। अब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अभी अपन ने खुद ही नहीं देखा कि जिस चीज़ को अपने को मैक्सिमाइज करना है, ये देख रहे हो, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स और वाई में, ठीक है ना, तो इसी एक्सप्रेशन को उसने क्या बोला है अभी थोड़ी देर के लिए, ax+by। ठीक है, हमेशा क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा किस फॉर्मेट का होगा, ax+by का होगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ यही था है?
ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, ए एन बी आर कॉन्स्टेंट विच हैज़ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। ये लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है और ऑप्टिमल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन अबव एग्जाम्पल दिस इज लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेरिएबल्स एक्स और वाई कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स, द लीनियर इक्वालिटी और इक्वेशंस, कंडीशन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये तो पता ही है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी टेबल और चेयर की। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अपन इस सबका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, करो भाई ड्रॉ करो, ये सबको पहले प्लॉट करो। सबको एक ही जगह पर, तो थोड़ा बड़ा बनाना डायग्राम ताकि बहुत अच्छे से मार्क आउट कर पाओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से दिखाना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, पहली दो लाइंस के। बना लिया? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बनाते हैं, है ना। इसको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई 60 है ना, ये x प्लस वाई 60 ड्रॉ कर लिया, और वो 100 वाला है ना, तो उसमें इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, y 100, वाई 100, ठीक है, और x का वैल्यू कितना आ रहा है, 20, ठीक है। ऐसे तो वो लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये लाइन आ रहा है, और ठीक है बाकी तो सब ड्रॉ कर लिए। अब लेस देन वाली जो चीज़ होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे इस तरफ ही आएगी, ठीक है। दिख गया ओरिजिन के लिए नेगेटिव आ रहा है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 60 लेस देन इक्वल टू 0, जीरो रखा है इसके अंदर, तो क्या माइनस 60 लेस देन इक्वल टू 0 होता है? हाँ होता है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन वाली साइड जो है पूरी इनइक्वालिटी का आंसर है, ठीक है। तो अब मैं कॉमन पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही लाइंस का अपने को इस पार्ट का ये वाला पार्ट लेना है, इस लाइन का भी अपने को ये वाला पार्ट लेना है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पार्ट लेना है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पार्ट लेना है, जो रिक्वायर्ड रीजन है शेड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व, लेट अस ग्राफ द कंस्ट्रेंट्स, कर लिया ग्राफ अपन ने, ठीक है। द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स कॉमन टू ऑल हाफ प्लेन्स डिटरमाइंड बाय इनइक्वालिटी दिस, ईच पॉइंट इन दिस रीजन रिप्रेजेंट्स अ फिजिबल चॉइस। अब देखो ये सब जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अपन ने मार्क कर रखे हैं, ठीक है, वो एक रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट रीजन इज एक तो ये पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट मार्क कराना कितना आ रहा था, 20 0, हाँ 20, 0। ये वाला पॉइंट कितना था, 060, और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन 40, हाँ 10, एक्स आ गया 10 और वाई आ गया 50, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या बाउंड्रीज जो हैं उनको मार्क कर लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। जो एंड पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, उनको मार्क कर लिया करो ना। ये सब चार पॉइंट्स क्या हैं, कॉर्नर।
ये जो रीजन है ये कितने कॉर्नर पॉइंट से बाउंडेड है, चार, ठीक है। तो भी क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स कॉमन टू ऑल हाफ प्लेन्स डिटरमाइंड बाय इनइक्वालिटीज। हाफ प्लेन का मतलब क्या है तुम्हें क्या लग रहा है, हाफ प्लेन का मतलब क्या है? हाफ प्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ प्लेन? गलत है, हाफ प्लेन का तात्पर्य क्या है? नहीं, हाफ प्लेन का मतलब है कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो वो पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो वो सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ये हाफ प्लेन और एक ये दूसरा हाफ प्लेन, ये है हाफ प्लेन का मतलब। तो हर इनइक्वालिटी ने 2D सिस्टम को हाफ हाफ प्लेन में बांटा और उन हाफ हाफ प्लेन के जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, वो आए रिप्रेजेंट्स। तो हाफ हाफ प्लेन है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिबल चॉइस, ठीक है, और फिजिबल रीजन डिनोट कर रहा है बेसिकली ना। वो सारे हाफ हाफ प्लेन, चार हाफ प्लेन आए ना, ये तो समझ में आ रहा है, चार हाफ प्लेन आए, चार इनइक्वालिटी तो चार हाफ प्लेन, उन चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन है उसको कहते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। तो दिस इज द फिजिबल रीजन, ये जो रीजन है ना इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है, फिजिबल का मतलब क्या है, फिजिबल क्या होता है? फिजिबल, हाँ ऐसे ही कुछ। तो फिजिबल होता है कि ये हो पाए, ये पॉसिबिलिटी हो पाए। जैसे मान लो मैं कोई बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, अब बिजनेस में बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास ना पैसा नहीं है मान लो, ठीक है, तो ये चीज़ फिजिबल नहीं हुई, ठीक है। फिजिबल क्या होता है, जो चीज़ पॉसिबल हो उसे कहते हैं फिजिबल। तो इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है ना, इस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हैं, इस रीजन में आने वाले जितने भी एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर हैं उन्हें कहेंगे फिजिबल, ठीक है। क्या यहाँ हो सकता है कि एक्स और वाई यहाँ से ले सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आ रही बात खोपड़ी में? चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन ये आ सकता है क्या? नहीं। चारों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कहाँ पर हैं? इस रीजन के अंदर हैं, ठीक है। तो इस रीजन में आने वाले हर एक पॉइंट को क्या कहेंगे? फिजिबल रीजन का पॉइंट या एक पॉसिबल सॉल्यूशन है ये, ठीक है। पर अभी तक अपन ने क्या किया, इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है, इस फंक्शन को, इस क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। इन चारों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये, बात समझ में आ रही ना? हाँ, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ, कहाँ पर है? यहाँ पर है अपन, शेडेड रीजन फिजिबल चॉइस 8 पॉइंट, ठीक है। फिजिबल द रीजन देयर फॉर इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, इस चीज़ को, इस रीजन को कहते हैं फिजिबल रीजन। रीजन तो बताई दिया मैंने तुम्हें क्यों कहते हैं, फॉर द प्रॉब्लम एवरी पॉइंट इन दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन, हर पॉइंट जो है फिजिबल सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन होते हैं उन चार इनइक्वालिटी के? इनफाइनाइट, ठीक है। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ठीक है। द रीजन इज फिजिबल रीजन, अच्छा जो रीजन इसके बाहर है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? इनफिजिबल रीजन, ठीक है, क्योंकि वो जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं आ पाया। कोई भी पॉइंट आप बाहर लोगे तो वो इन चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैक्सिमाइज तो क्या करोगे, ठीक है। टेबल चेयर की जो क्वांटिटी है वो जरूर इन्हीं के अंदर आनी चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन पॉइंट्स विद इन एंड ऑन बाउंड्री, ऑन बाउंड्री क्यों है? हाँ, क्योंकि चारों में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसीलिए ऑन द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन भी अपने आंसर हैं। बाउंड्री ऑफ द फिजिबल, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ये तो कितनी 10 बार बोलेगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एनी पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू, भाई इसी रीजन के अंदर होगा या इस रीजन के बाउंड्री पर होगा, तो वो जो पॉइंट है, कोई पॉइंट ऐसा एक्स और वाई जो उस फंक्शन को है ना क्या करे, मैक्सिमाइज कर दे, उस पॉइंट को कहते हैं, दैट गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू दे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
थ्योरम वन। अब ये थ्योरम जो है किसी का भी प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, किसी का भी प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आर बी द फिजिबल रीजन, मान लो आर आपका कोई रीजन आ गया फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और ए एक्स प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जेड हैज ऑप्टिमम वैल्यू वेयर द वेरिएबल्स एक्स और वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट डिसाइड लीनियर इक्वेशन, ऑप्टिमम वैल्यू मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। ऑप्टिमम वैल्यू मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, लिखो ऑप्टिमल वैल्यू अकर एट कॉर्नर पॉइंट। कितने कॉर्नर पॉइंट है अभी बताया था ना मैंने, कॉर्नर पॉइंट कितने कॉर्नर पॉइंट हैं फिजिबल रीजन के, चार। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वो निकाल ही लोगे, लाइंस के इंटरसेक्शन से आता है वो, ऑफ द फिजिबल रीजन। आगे थ्योरम टू, तो हमेशा ऑप्टिमल वैल्यू आपको कहां पर मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगी, ठीक है, ठीक है, प्रूफ तो दिया ही नहीं है उन्होंने। हाँ, आर बी द फिजिबल रीजन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस बी द ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आर इज बाउंडेड, इफ आर इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड की परिभाषा ये होती है कि जो रीजन है ना, इस रीजन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। देख रहे हो आप कोई भी एक्स और वाई लो इस इलाके में, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्स या वाई इनफाइनाइट आ रहा हो, नहीं, ठीक है ना, सारे एक्स और वाई जो यहां पर हैं वो फाइनाइट हैं। ये एक तरीका है बाउंडेड का, और जो एनसीईआरटी ने रखा है वो ये कि आप कोई ना कोई सर्कल बना पाओ जिसमें आप ये इलाका ले पाओ, सर्कल के अंदर आ जाइए तो आगे ना, क्या दिक्कत है, एक सर्कल जरूर ऐसा मुझे मिल जाएगा जिसमें ये पूरा फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो ऐसे भी कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो बाउंडेड है, ठीक है। बेसिकली जो मैंने पहले बताया ना, जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई इनफाइनाइट तो अनबाउंडेड, एक्स और वाई फाइनाइट तो बाउंडेड, ठीक है, सिंपल। एंड ईच ऑफ दीज अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट, इफ आर इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बोथ मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑन आर। बाउंडेड होगा ना तो मैक्सिमम मिनिमम आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है ये, और ईच ऑफ दीज अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट है ना, तो कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रीजन बाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जरूर कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है भाई, और कहाँ पर आएगी, कॉर्नर पॉइंट पर आएगी। वो पिछली वाली बात भी अपन यहीं पर ऐड और कर दिए कि मैक्सिमम वैल्यू जरूर आएगी और किसी न किसी कॉर्नर पॉइंट पर आएगी, ठीक है। आगे इफ आर इज अनबाउंडेड देन मैक्स मिन मे नॉट एग्जिस्ट, तो हो सकता है कि मैक्स या मिन अस्तित्व में ना हो, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, पर अभी बस मैं एक फ्लो में बता देता हूँ कि ऐसे है। हाउएवर इफ इट एग्जिस्ट इट्स मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, हाँ, लेकिन अगर अकर कर रही है तो अकर तो कॉर्नर पॉइंट पर ही करेगी, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल द कॉर्नर पॉइंट वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन आर, बता दिए तो अपन ने ये मार्क भी कर लिए। लेट अस नाउ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जेड एट दिस पॉइंट, तो जेड का वैल्यू यानी कि वो जो फंक्शन था ना, क्या था, 250 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू वाई, यही था ना। तो 250 इंटू एक्स 0 पर किया तो 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0 ही आ जाएगा, 250 इंटू 0 और 75 इंटू 60, 75 इंटू 6 है ना, तो 75 इंटू 2 150, हाँ सही है, 75 इंटू 60 ये आ रहा है। अच्छा 250 इंटू 10 और 75 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 6250, और 250 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 5000, ठीक। तो ये सब वैल्यू आ रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये जो फंक्शन था ना इसका ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ पर है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कौन सा पॉइंट आया, ऑप्टिमल वैल्यूज जो है जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, 1050। तो देखा तुमने कॉर्नर पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बस ये सॉल्यूशन हो गया अपना, और किस पॉइंट पर सॉल्यूशन, कितनी टेबल लेनी चाहिए उसे, 10 और चेयर लेनी चाहिए 50। द मेथड ऑफ सॉल्विंग इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट मेथड, इस तरह से अपन कॉर्नर पॉइंट को पुट करके देख लेते हैं, और बस इसी को कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। द मेथड कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, पहले तो फिजिबल रीजन मार्क कर लो, ठीक है, फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर लो, कैसे, बाय इंस्पेक्शन या फिर वो दो इनइक्वालिटी या दो लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके। एट दैट पॉइंट इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट, हर एक जगह पर इवेल्युएट करो कि जो जेड है ना उसका वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर चार कॉर्नर पॉइंट थे, तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसका वैल्यू निकाल लो, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वही मैक्सिमम वैल्यू, और जो कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वही अपना आंसर, ठीक है, वही एक्स और वाई अपने आंसर। क्या बोला इसने,
एट ईच कॉर्नर पॉइंट एम एन डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट व्हेन द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड. अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, व्हेन द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड. अगर फीजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है तो जरूर आपको एम और एम मैक्स मिन मिल जाएंगे जेड के और आगे आंसर. ठीक है, आगे आंसर, ये सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है. द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है देन वी हैव पहला पार्ट, इसी का पहला पार्ट है, एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फीजिबल रीजन. इसको याद कर लो, फील तो तभी आएगा जब अपन सवाल करेंगे. बिल्कुल सही बात है, एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ द ओपन प्लेन डिटरमाइंड बाय, ये तो समझ में आ रहा है, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी हो जाएगी. कॉर्नर पॉइंट्स पर आपने जो भी वैल्यू है वो एम निकाल लिया आपने, उनमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको एम से कंपेयर किया, ए एक्स प्लस बी वाई एम. ठीक है, तो मैक्सिमा के केस में सॉल्व करना होता है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, और मिनिमा के केस में करना होता है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम. ठीक है, अगर सवाल अभी तक है तो मैंने यही वाला सवाल देखा है ना, तो क्या करो ये सॉल्व करो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम. सॉल्व करने का मतलब स्केच करो, मान लो ये आपने स्केच कर दिया और अपना फिजिबल रीजन भी अपने पास है. ठीक है, अब ये जो लाइन है ना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, इसका एक पॉइंट फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट आएगा. ठीक है, बताइए खोपड़ी में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम का इस लाइन का एक पॉइंट आपका फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर पॉइंट होगा. ठीक है, और ये जो इलाका है वो कुछ इस तरह का होगा, और फिजिबल रीजन यहां है तो इस लाइन के इस तरफ और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन आया क्या? नहीं आया. इसका मतलब क्या हुआ? सही है, मैक्सिमम है. ठीक है, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन. इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, इस ओपन हाफ में हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो मैक्सिमम आ जाएगा. एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ ओपन हाफ हैज नो कॉमन पॉइंट. ठीक है, तो इस इलाके में और फिजिबल में अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है तो वही एम का वैल्यू क्या हो गया जो आपने कॉर्नर पॉइंट पर प्राप्त किया था, जो सबसे ज्यादा था वही हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, पर अगर इस इलाके में और फिजिबल रीजन में कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं तो फिर मैक्सिमा डिफाइंड नहीं है. ठीक है, वो देखेंगे अपन जब इनइक्वालिटी आएगी तो बहुत क्लियर हो जाएगा, पर इस तरह से होता है. सिमिलरली एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड. मान लो आपने कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकाली, जो उसमें सबसे कम आई उसको एम बोल दिया, वो मिनिमा है. फिर अपन ने सॉल्व किया ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ये इनइक्वालिटी आ गई ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम. तो इस इलाके में और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो एम क्या हो गया? मिनिमा हो गया. अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो मिनिमा मैक्सिमा ऐसे, और अगर कॉमन आ गया तो फिर मिनिमा नॉट डिफाइंड. ठीक है भैया, याद हो जाएगा ना? हाँ, याद कर ही लिया होगा तुमने, बताओ एक बार. हाँ, फीजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो क्या करना होता है? नहीं नहीं, इन केस द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताओ, कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे जो सबसे बड़ा होगा, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे. हाँ, ऐसे बताओ, फीजिबल रीजन आया, बोलो ना. फीजिबल रीजन आया, सही है. कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, हाँ कॉर्नर पॉइंट नोट कर लिए. जिस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, भिन्न भिन्न वैल्यूज आई, फिर सबसे मिनिमम. ठीक है, एम बोल दिया, कैपिटल एम बोल दिया मैक्सिमम को, स्मॉल एम बोल दिया मिनिमम को. हाँ, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम सॉल्व करेंगे. मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगी. हाँ, दोबारा बोलो, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम सॉल्व करेंगे या स्केच करेंगे? हाँ, स्केच करेंगे. हाँ, स्केच करेंगे, स्केच करेंगे. वही वैल्यू एम हो जाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टिमम वैल्यू वही एम हो जाएगी. कब? ये कौन सी कंडीशन? कंडीशन होती है ना कुछ कि वो ये होना चाहिए. हाँ, वो बोलो. ax plus by is greater than m, और जो
फिजिबल रीजन है उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, एम मैक्सिमम हो जाएगा, बस खत्म। और मिनिमा के केस में, मिनिमम के केस में ax + by less than small m सॉल्व करेंगे और इसमें भी यही देखेंगे कि ax + by less than m का बाउंडेड रीजन और फिजिबल रीजन में कोई कुछ कॉमन ना है, फिर क्या होगा, अगर कॉमन नहीं आया तो स्मॉल एम जो नहीं मिलेगा। अरे वाह सही है, ठीक है भाई, नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन अदरवाइज जेड हैज नो मिनिमम वैल्यू। और अगर कोई कॉमन पॉइंट आ गया, कुछ कॉमन पॉइंट या कुछ कॉमन रीजन आ रहा है इस इलाके का और फिजिबल का, तो फिर मिनिमा डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है भाई, तो क्लियर ही तुमको। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, करो भाई। करो स्केच करो, ये तीनों स्केच करने हैं अपने को, चारों मतलब। इंटरसेक्शन बता दो दोनों लाइंस का, बाकी तो सब आसान है। 20-30 इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, चलो ड्रॉ करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और उसके इंटरसेप्ट क्या है 90 और 30, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 30 और वाई इंटरसेप्ट है 90। ठीक है मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, ये पॉइंट कितना आया 20-30, कॉर्नर पॉइंट बताओ, कॉर्नर पॉइंट है 0-50, 30-0, 50-0 है, 0-50 है, 0-0, ठीक है 0-0, ये इलाका है, पहले डिक्लेयर कर देना दिस इज द फीजिबल रीजन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, सबके पॉइंट्स होंगे मतलब मार्क्स होंगे, ठीक है। हाँ बोलो, जीरो जीरो पे तो जीरो। हाँ एक सेकेंड, क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो 4x प्लस वाई का वैल्यू एट 0-0 कितना आ रहा है, 0, और दूसरा पॉइंट क्या था, 30-0, 120 और 20-30 ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आ गया 120 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 30-0, यानी कि एक्स का वैल्यू 30 और वाई का वैल्यू 0। ठीक है ठीक है, अभी स्केच वगैरह तुम कर ही सकते हो, है ना। ये इसमें 0-0 रखा तो बार बार यही वाला इलाका आएगा ओरिजिन के पास वाला, जब भी फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा तब ओरिजिन के पास वाला ही इलाका रहेगा, ओरिजिन के उस तरह वाला नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी ये तो क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली ना, करो, मिनिमाइज करना है इसमें।
ऐसा रीजन आ रहा है। अच्छा चलो मार्क करते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं x प्लस टू वाई 20 है ना, तो x 10 और y 5 आ रहा है, इस तरह का रीजन आएगा। ये पॉइंट 10 कॉमा 0, ये 0 5, और 3x प्लस 4y, तो 8 आ रहा है x और y आ रहा है 6, 0 6, और ये कितना आ रहा है 8 8 0। तो दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया, इस तरह का आएगा ये सेकेंड लाइन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अब ये समझो इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। तो ओरिजिन के लिए जैसे इस पहले वाले को लिखा x प्लस टू वाई माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, है ना, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ओरिजिन वाला इलाका नहीं है, ओरिजिन से उल्टी तरफ वाला इलाका है। तो वो उसको शेड कर लेते हैं, हल्का से ही शेड करते हैं, ठीक है, इस लाइन का ये वाला पार्ट लेना है। और दूसरी लाइन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 0 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें 0 0 वाला इलाका लेना है। कौन सा ब्लू वाला लाइन था ना, हाँ ठीक है, हाँ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दिख ही रहा है ना, तो कौन सा रीजन आया, कॉमन पार्ट क्या आया, ये पार्ट कॉमन आया, और कुछ कॉमन लग रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, ब्लू और रेड कॉमन और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं इसमें, तीन आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई किया एक्स फोर, एक्स फोर तो वाई थ्री, ठीक है, 4 3। हाँ जो फंक्शन है 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y, ये पॉइंट और, अच्छा 0506 तो है ही, हाँ 05 पर क्या आ रहा है 2500, और क्या है 06 पर 3000 है, और पॉइंट क्या था 43, तो 4 पर 8 और 15 है 2300 ना, तो 3000 आ जाएगा 06, ठीक है। अच्छा मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू तो यार है 43, ठीक है, मैक्सिमम पूछा होता तो वो आ जाया था, है ना। अगला तो वो इसने दे रखा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, इसमें दोनों ही करने हैं, बनाओ। इसमें इनइक्वालिटी बढ़ा दी उसने, ठीक है, ध्यान से ड्रॉ करना, बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना ताकि वो स्केच में अच्छे से दिखाई दे रिक्वायर्ड रीजन। ये अच्छा अच्छा रहता है कि अगर एक स्केच अपन रफ बनाए फिर उसके बाद दूसरा स्केच जो है अच्छे से फेयर बना दे, ठीक है, पहला स्केच बिल्कुल रफ। क्योंकि उससे अंदाजा लग जाता है कि कौन सा रीजन एक्चुअली में जो है अच्छे से दिखाना है। बना लिया पूरा चारों इनइक्वालिटी पांचों। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ये ओरिजिन वाली साइड आएगा, है ना, तो कितना आ रहा है इसमें 60 और 20, तो x 60 है y 20 है, x 60 y 20, ठीक है यार, x प्लस वाई 10, तो x प्लस वाई 10 है ना, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा x प्लस वाई 10,
ये मार्क कर लेते हैं, ये 60 है, ये 10 है ना, ये 10 है और ये 20 है. y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना लेते हैं, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही खैर, ठीक है. तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि इसके नीचे वाला इलाका, y ग्रेटर है ना, y ग्रेटर कहाँ पर होगा, ऐसे ही दिख रहा है इस वाले इलाके में. कोई पॉइंट ले सकते हो है ना, जैसे ये पॉइंट है 0 10 है, 0 10 रख दिया अपन ने यहाँ पर, 0 10 सेटिस्फाई कर रहा है, सही है 0 10. तो यानी कि इस वाला पार्ट, तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, इस लाइन के उस तरफ वाला पार्ट, और x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 के लिए 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, यानी कि इस लाइन के 0 0 के उल्टी तरफ वाला पार्ट. अब ऐसे कर लो इमेजिन कि ये वाले पार्ट के तो ऊपर, इस लाइन के ऊपर की तरफ, इस लाइन के यूँ और इस लाइन के यूँ, तो दिख गया ये रीजन आ रहा है, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के ऊपर की तरफ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. कॉर्नर पॉइंट्स बताओ, y इज इक्वल टू एक्स का, ये तो बहुत आसान है, 5 5 आ जाएगा. और y इज इक्वल टू एक्स का उसके साथ x प्लस 3y, तो 4x 15 आ गया, x 15 और y भी 15 है, 15 15, ठीक है, ठीक है भाई, सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. ये 0 10 है, क्या करना है, मैक्सिमाइज दोनों करने हैं. अच्छा फंक्शन क्या है, 3x प्लस 9y. अब देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि इसमें जैसे कांस्टेंट कॉमन ले लिया, 3 इंटू एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y देख रहे हो कहीं इक्वेशन, किसी इनइक्वालिटी में एक्स प्लस 3y है, 3y किसी इनइक्वालिटी में है क्या, हाँ है ना, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक्स प्लस 3y यहाँ पर और एक्स प्लस 3y वहाँ पर. हाँ निकालो वैल्यू, पहला पॉइंट क्या है, 0 10 कितना आ रहा है, 90. हाँ, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 20, 0 10 0 20, और 5 5, ठीक है, और क्या है, 15 15, 15 15 पर कितना आ गया, 15 60 180 है ना, मैक्सिमम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम दो जगह पर आ रहा है, दो कॉर्नर पॉइंट पर है ना, तो जब भी कभी ऐसा है ना, मैक्सिमम दो कॉर्नर पॉइंट पर, एक तो 0 20 और 15 15. तो जैसा कि मैंने समझाया था कि लाइन पैरेलल हो गई है एक्चुअली, ये वाली लाइन और जो ऑप्टिमल जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो जो है वो पैरेलल हो गया, तो इस वजह से इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप लोगे ना तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है. इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं, इन्फाइनिट, तो यहाँ पर खूब सारे पॉइंट होंगे, खूब सारे पॉइंट होंगे. x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लो जिसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब आ जाएंगे. जैसे x ले लो 1 ले लो, y कितना आ जाएगा, 59 बाई 3, ठीक है ना, दिख गया. x अगर 1 ले लोगे, y कितना आ गया, 59 बाई 3, तो इसके लिए भी वो जो फंक्शन है ना ये आ जाएगा, ठीक है. और भी मतलब जो भी पॉइंट है, क्योंकि 3x प्लस 3y कितना हो गया, 60 हो गया, और 3 इंटू भाई लाइन पर x प्लस 3y कितना है, 60 है, और ये लिखा है x प्लस 3y, तो हमेशा ये फंक्शन जो है कितना बन जाएगा, 3 इंटू 60 बन जाएगा, है ना, पैरेलल की वजह से x प्लस 3y का वैल्यू हमेशा 60 रख दिया ना, इसलिए तो हमेशा 180 आ रहा है, दिख गया ना. तो सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 180, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 60, ठीक है, मिनिमम 60, और मिनिमम तो एक ही पॉइंट पर अकर कर रहा है, 5 5 पर मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए बोल दो, मैक्सिमम अकर्स ऑन लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 विद कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है. उसके अलावा ये भी लगाना पड़ेगा, x 15 से कम, ठीक है, y 15 से कम, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल देना, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, कई सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहे हैं. हाँ, ऑब्जर्व दैट इन द अबव एग्जांपल द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल सॉल्यूशन एट द कॉर्नर पॉइंट सी एंड डी.
तो अगर दो कॉर्नर पॉइंट्स पर है ना, दो कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमा आ रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को जोड़ रहा है, उन सारे पॉइंट्स पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। और यही बात लागू होती है मिनिमा के लिए। अगर दो कॉर्नर पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो उस पूरे लाइन सेगमेंट पर मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, प्रोड्यूस द मैक्सिमम वैल्यू इन सच केसेस सी डी सेम मैक्सिमम वैल्यू, सेम इज ट्रू इन केस इफ द टू प्रोड्यूस सेम मिनिमम वैल्यू। हाँ, ग्राफिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ भाई, ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी टफ है, बनाओ। बना लिए जी, सारे बना लिए। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये तो पहली लाइन ही अच्छी खासी। तो x को जीरो किया, y कितना आ रहा है 5, ठीक है, 0.5। और y को जीरो किया, x कितना आ रहा है -2.5, ठीक है, -5/2, ठीक है। और लाइन का स्लोप कितना है 2 है, तो कुछ ऐसा है ये लाइन, पहला लाइन। और बाकी 0, 0 रखा, तो 0 > 5 सही है। तो इस येलो लाइन के इस तरफ वाला इलाका आएगा, ओरिजिन के साइड वाला। अगला, एक्स को 0 किया, वाई आ रहा है 3, ये पॉइंट कितना था, एक्स को 0 किया 0.5, ये पॉइंट 0.3, इसको 3 मार्क कर लेते हैं। और एक्स इंटरसेप्ट, वाई को 0 किया, एक्स आ रहा है 1, तो ये लाइन आ रहा है, ठीक है, इस तरह का लाइन आ रहा है। और इसमें 0, 0 रखा, तो फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन के उल्टी तरफ इस तरफ वाला पार्ट आएगा। इसके इस तरफ, वो इस तरफ वाला देख लेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और एक्स आ रहा है 6, तो ये कितना था, एक्स 1 था, एक्स 6 यहाँ पर कहीं पर होगा, एक्स 6। और वाई कितना आ रहा है, -4, ठीक है, ये आ रहा है -4। और बाकी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही, ठीक है। अब इलाके देख लेते हैं, इस लाइन के तो इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ, और इस लाइन के लिए 0, 0 रखा, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, 0 < 12 होता है ना। तो इस लाइन के इस तरफ, तो इस तरफ, इस तरफ, तो अनबाउंडेड दिख गया भाई, ये रीजन आ रहा है, ये है ना, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट है ना। एक्चुअली क्या है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये आगे जा करके ये एनक्लोज नहीं हो रही, मतलब ये लाइन ऐसे होती ना, यूं करके इलाका बंद हो जाता, तो बाउंडेड रीजन आया था। पर एक्चुअली इसका स्लोप क्या कम है, आखिरी वाली का स्लोप देखो 2/3 है, तो इसकी ढलान कम है, और इसका स्लोप क्या 2 है, तो ये ज़्यादा लाइन वर्टिकल है ना, इस वजह से दोनों आगे जा करके बंद नहीं हो रहा इलाका, बस खत्म। इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, ये अनबाउंडेड रीजन, मैं एक बार शेड कर देता हूँ।
ठीक है भाई, दिस इज द रीजन, ये वो रीजन आ रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कराओ, ये पॉइंट, ये तो 1 0 है ना, ये 6 0 है, 0 3 और ये क्या है, 0 5। ठीक है भाई, तो अपन वैल्यू निकालना चालू करते हैं। हाँ भाई, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या है, -50x और क्या है, +20y। बोलो, पॉइंट 1 0 रख लेते हैं पहले, है ना। हाँ, कितना आ रहा है, -50। हाँ, और 60 और 0 3 60 और, अरे बोलो ना, 100। इनमें मैक्सिमम कौन है, क्या निकालना था, मैक्सिमम या मिनिमम, डिटरमाइंड ग्राफिकली मिनिमम, मिनिमम क्या आ रहा है, -300। ठीक है, पर चौकन्ने हो जाओ, जैसे ही जो रीजन अनबाउंडेड है उसके लिए चौकन्ने हो जाओ। तो अपन क्या सॉल्व करें, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, -50x +20y। ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है, ग्रेटर देन m, और मिनिमम के लिए लेस देन m, लेस देन -300 है ना। इसको सॉल्व करो, इसको मार्क करेंगे, तो इसमें अपन 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, 10 से डिवाइड कर लिया, अब इसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लो, है ना। x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 6, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, -15, -15 और 6। तो ये तो मैंने तुम्हें समझा ही था कि हमेशा क्या होगा कि जो ax plus by greater than ax plus by less than m वाली जो इनइक्वालिटी है, या ax plus by greater than m वाली इनइक्वालिटी है, वो जो रीजन आएगा वो जो फिजिबल रीजन है उसके एक कॉर्नर पॉइंट से तो पास करेगी, और वो कॉर्नर पॉइंट एक्चुअली यही है 60 वाला, जहाँ पर आपने -300 लिया था ना, उसी से तो ला रहे हैं अपन, तो वो पॉइंट तो आएगा ही आएगा ना, तो ये पॉइंट आ गया। अच्छा, और दूसरा क्या था, -15 ना, -15 यहाँ पर होगा। ठीक है, अपन ने इसको मार्क किया ऐसे, इसका स्लोप क्या है, 2/3, इसका स्लोप क्या है, 5/2, ढाई है ना इसका, इसका स्लोप ज़्यादा है, इस तरह का रीजन आएगा। ठीक है, अब इलाका मार्क करते हैं, इसमें 0 0 रखा, 0 0 सॉल्यूशन है क्या, इसका सॉल्यूशन है क्या, 0 0 0 0 सॉल्यूशन नहीं है, तो 0 0 के अलावा 0 0 के उल्टी तरफ आएंगे अपन। ठीक है, अब ये बस इंश्योर कर लो कि फीजेबल रीजन क्या था, है ना, ये जो रीजन था वो क्या था, और इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, इस इनइक्वालिटी का आंसर ये वाला इलाका आ रहा है। ठीक है, क्या इस इलाके का कुछ पार्ट फीजेबल रीजन में आया क्या, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो मिनिमम, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, अगर इस इनइक्वालिटी का और फीजिबल रीजन का कुछ पार्ट कॉमन है तो नो सॉल्यूशन, कुछ पार्ट कॉमन नहीं है तो सॉल्यूशन आएगा, यही मिनिमम वैल्यू जाएगी, तो लिख लो नो मिनिमम एग्जिस्ट। ठीक है, नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नॉट डिफाइंड, है ना, ऐसे बोल दो। अच्छा, मैक्सिमम बताओ, इस सवाल के अंदर अपन ने एक और ऐड कर दिया है मैक्सिमम, इस सवाल में ऐड कर दिया मिनिमा, मिनिमा तो क्या आया, नहीं आया, नो मिनिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा के लिए बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 5 है ना, इस कॉर्नर पॉइंट पर आ रहा है 0 5, तो 0 5 पर क्या आ गया, 100 आ गया। अब 100 पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, -50x शाबाश, अब अब x इंटरसेप्ट आ रहा है -2 और y इंटरसेप्ट आ रहा है 5, है ना, y इंटरसेप्ट 5, तो y इंटरसेप्ट 5, वही 0 5 तो आएगा ही आएगा, और x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, -2 यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, कोई और कलर की चौक, ब्लू हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, वाइट, ये और ये है, ठीक है, इस तरह का रीजन आएगा। इलाका मार्क कर दें, ओरिजिन रखा है इसके अंदर, तो 0 0 ग्रेटर देन 10 आ रहा है क्या, आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 10 होता है क्या, तो 0 0 0 ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ओरिजिन वाला नहीं होगा, इसके उल्टी तरफ वाला होगा, तो इसके इस तरफ ओरिजिन है ना, तो ये वाला साइड ना लेकर के ये वाला साइड ले लेंगे। ठीक है,
अब देखो ये वाला जो रीजन है जो अभी मैंने मार्क किया उसमें और फिजिबल रीजन में कोई पॉइंट कॉमन है क्या? है कॉमन है ना? है कॉमन? कॉमन है या नहीं है? अरे नहीं है भाई, ठीक है मैं ऐसे कंफ्यूज कर रहा था। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है ना, हमेशा अपन क्या कर रहे हैं वहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होती, ठीक है, इनइक्वालिटी होती, इसीलिए 0.5 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ 0.5 पर मैक्सिमा है, बोल दो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट 0.5 और मैक्सिमम वैल्यू है 100 है ना, मैक्सिमम वैल्यू 100 है, ठीक है भैया, ठीक है ये मैक्सिमम वैल्यू एट 100 है। मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, बनाओ भी बनाओ डायग्राम बनाओ। चलो स्केच करते हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये मेरे ख्याल से पूरी तरह, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इस तरह का आएगा, और एक्स इंटरसेप्ट कितना रहा है 5 और वाई 3, 5 0 0 3, ये पॉइंट 8, ये पॉइंट 8, यहाँ तक ठीक है देखो, और एक्स कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये यूँ जाके आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से लाइन होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ही, तो 0 0 देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या पहले वाले को? नहीं, कहाँ कर रहा है ना, नहीं कर रहा, और 0 0 दूसरे लिए कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 8 का मतलब ये वाला रीजन, इसके ऊपर की तरफ जाना है अपने को, ठीक है, और 3x + 4 है लेस देन 15, लेस देन 15 के लिए कहाँ जाना है, नीचे की तरफ, तो कोई इलाका आ रहा है क्या इस के तो नीचे और इसके ऊपर? एक बार मार्क कर देता हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है ना, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, और रेड वाले के क्या है नीचे, ठीक है, रेड वाले के नीचे, ठीक है ये वाला, तो केवल ये वाला पार्ट आया है ना इस तरफ वाला, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं, क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है निकालना कितना आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2y 24, 9/2 आ रहा है, वाई माइनस 9/2 है, और एक्स कितना आ गया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 15, 15 माइनस 5 10, और 75 माइनस कुछ आ जाएगा एक्स है ना, 8 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला इलाका पूरी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ तो मिनिमम वैल्यू आएगा अलोंग द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, कुछ आएगा मिनिमम वैल्यू, कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं है ना, नॉनसेंस है ना, बोल दो दिस प्रॉब्लम हैज़ नो सॉल्यूशन बिकॉज देर इज़ नो फीजिबल रीजन ऑफ दिस, है ना, कोई फीजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं किया, लिख दोगे ना नो फीजिबल रीजन, ठीक है, तो कांट बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, इसने फ्रॉम द एग्जांपल यू हैव डिस्कस सो फार वी नोटिस सम जनरल फीचर्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, द फीजिबल रीजन इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स रीजन, कॉन्वेक्स रीजन क्या होता है, कोई कोई बाउंडेड रीजन है, कोई पॉलीगन जैसा, ठीक है,
द मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट द वर्टेक्स, कॉर्नर पे अकर करते हैं ऑफ द फिजिबल रीजन। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स प्रोड्यूस सेम मैक्स और मिन, तो पूरा लाइन सेगमेंट जो है उस पर मैक्स मिन होता है। देन एवरी पॉइंट ऑन द विल हैव मैक्स मिन वैल्यू। ठीक है भैया, तो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे अगली टर्न पे। टिल देन बाय।